शाहरुख के अब्बा बने आप? शाहरुख के पहले तो शाहिद कपूर, उसके बाद प्रीति जिंटा, उसके बाद दिया मिर्जा, उसके बाद शाहरुख, उसके बाद रणबीर कपूर, उसके बाद गोविंदा, उसके बाद अनिल कपूर, सलमान खान, जाहिद खान, एक लंबी लाइन है। सबके बाप बने आप? सबके बाप। तो इन सब ने, एक मिनट, इन सब ने अपने शनाख्ती कार्ड पे वल्दियत में आपका नाम लिखवाया है? हाँ ना। मुश्किल जवाब है। हाँ, एड्रेस भी सोचे थे। मतीरा, अगर आपको इंडिया में काम मिले, एक्चुअली देखिए हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश है, इसमें ये कहना जरूरी नहीं, मैं तो, मुझे तो शौक ही नहीं था। पहले पंजाबी फिल्मों की हीरोइनें कहती थी कि हम एक्सीडेंटली आ गए हादसाती तौर पे। मैंने कहा क्या हुआ था? आपका रक्षा टांगा से टकरा गया था, आप उछल के एवरन्यू स्टूडियो में गिर गई थी। हादसाती तौर पे कोई नहीं आता, सबको शौक होता है। किसके साथ काम करना चाहिए? शाहरुख के साथ, सलमान के साथ, हनीफ के साथ? मैं बिलीव करती हूं कि एक्सक्यूज मी, ये हनीफ फैमिली का बंदा है? ये हनीफ कौन? कपूर फैमिली का, हनीफ कपूर। डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए। आप दोनों अपनी एक नजर रखते हैं आर्टिस्ट की, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, उसी वजह से वो एक्टर होता है, वो और दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होता है। एक एक पिक्चर आपके सामने आएगी और एक एक कमेंट आप दोनों ने देना है, ठीक है ना? तो वो पिक्चर ये सामने आपकी स्क्रीन पे आएगी और आप एक एक कमेंट देंगे। पहले जावेद साहब देंगे, उसके बाद मतीरा साहिबा देंगी। जी शुरू कीजिए। एक एक वर्ड जावेद भाई। वेरी टैलेंटेड। देखो जो भी किया उसने पूरी दुनिया में छा गया। बात ये है, चाहे गालियां पड़ी जो भी है, ठीक है ना, छा गया। मतीरा, आप एक कमेंट दीजिए कोई। नेक्स्ट लेवल। अच्छा, नेक्स्ट लेवल, वेरी गुड। चलिए जी, फ्लोर यानी। अच्छा जी, नेक्स्ट। क्या बात, जान जिगर, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं तो ये यहाँ तस्वीर में भी आ गए। कोई एक वर्ड बैरो सफारी हमारे प्यारे भाई हैं, इनके लिए कोई ऑल इन वन, ऑल इन वन चार रूम का पेचकस, उसमें सारा आप निचोड़ है, ऑल इन वन। यानी कि टैलेंटेड भी है, बच्चे का रोल भी किया, बाप का रोल भी किया, दोस्त भी है, सब कुछ, ऑल इन वन। मदीरा, आप क्या कहेंगी बैरोज अंकल के लिए? I think बैरोज अंकल वेरी लाइक फैमिली। बैरोज अंकल आपके घर का पता है? मुझे ना कहना अंकल। नहीं, क्योंकि हम जब भी जाते थे 2-3 times, तो he's very, वो आपको वो नहीं बोलते, like आप बाहर वाले, you don't feel like आप बाहर से आए हो, he makes a very family atmosphere. एक single word बोलते। Friendly. The luckiest person in Pakistan. इसने कम अरसे में इसने वो मकाम हासिल कर लिया जो लोगों ने सालों में किया। ये सबसे अच्छा कमेंट है, बहुत अच्छा। आप बताइए। ये जैसे मैंने फवाद खान के लिए कहा है ना, ये इमरान खान के लिए ये माइट बी लकी मैन। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है, लकी मैन तो है। और देखें, शेख रशीद साहब जो है उन्होंने भी शादी नहीं की है, तो कहते हैं ना कि वो मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तो मैंने शेख साहब से कहा था, शेख रशीद साहब से, मैंने कहा अब तक आप शादी कर लें, कब तक वन व्हीलिंग करते रहेंगे? गुड वन। नेक्स्ट पिक्चर, शेख रशीद साहब के लिए कोई एक वर्ड जावेद भाई आपका। सच्चा, पक्की बात है? हाँ, पक्की बात। नेक्स्ट पिक्चर जी, शाहरुख लोधी। ठीक है ना, साहिर लोधी। तो क्या कहेंगे? एक्चुअली देखा जाए, अपार्ट फ्रॉम जितनी भी हम बातें करते हैं, वो तो मजाक है। हाँ, मगर वेरी टैलेंट। मोमल, इनकी भी एक फिल्म आई है, मोमल की जान रही है मेरे साथ। अच्छा, हाँ, हैप्पी भाग जाएगी। क्या नाम है? हैप्पी भाग जाएगी। हैप्पी भाग जाएगी,
अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। चाय बेचारी वो लूली लंगड़ी वो है, लेकिन वो भागेगी जरूर। मतीरा, क्या आगे क्या प्लान है? आप तो बड़ी मतलब ये कि एक्टिव लेडी हैं, आप हर शो में नजर आ रही होती हैं। नहीं, अभी काफी टाइम से मैं डीएक्टिवेट हो गई। डीएक्टिवेट हो गई थी, आपका बैलेंस खत्म हो गया था? बेबी टाइम हो गया, अब खली वाली ना, अब मैं काम की तरफ प्रॉपर आऊंगी। प्रॉपर आएंगी काम की तरफ। अच्छा, वो बात अधूरी रह गई ना कि इंडिया में आप काम करेंगी, तो वैसे बताइए तो सही ना कि किस एक्टर को आप पसंद करती हैं जिसके साथ आप हीरोइन आना चाहेंगी? Well, मैं एक्ट्रेस से ज़्यादा मैं डायरेक्टर्स पर ध्यान देती हूँ। आई थिंक डायरेक्टर अगर आपको बहुत ही अच्छा मिल जाए। ये तो आप बता चुकी, फिर भी कोई आपका फेवरेट? आई थिंक सलमान खान। तो होता है ना दिल में यार, वो निकलना तो चाहिए। बड़ा अच्छा है सलमान खान। हर फिल्म में आप पोस्टर पे जावेद शेख का फोटो जरूर आता है। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन देर रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन देर रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। गुजर जाऊंगा मैं, प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। हाँ, छूटा नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा मैं, प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। वो जो पल में टूट जाए, सपना नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन देर रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। खुशबू से महका दे जीवन मेरा। वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं सपना नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। दान है समझता नहीं, बिन देर रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जावेद शेख साहब, आप बहुत अच्छा काम करते रहे, और मैंने तो नहीं देखा उस वक्त वो थिएटर, लेकिन मैंने सुना कि जावेद भाई बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते थे।
असल में मैंने जब थिएटर पे काम किया तो सबसे पहले मैंने लियाकत सोल्जर और शहजाद रजा साहब के साथ पहला ड्रामा किया 1990 में, और उसमें दुलकरनैन हैदर साहब का स्क्रिप्ट था, तो पता चला कि इसमें से फला रोल जावेद साहब ने किया, वाला रोल किया, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भाई बहुत अच्छा काम करते थे, कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते थे जावेद अलग से, वो हकले का क्या अर्थ था? वो जरा सा थोड़ा सा मैं आपसे दो तीन सवाल करूँगा, हकले का रोल इतना अच्छा करते हैं, और सुना है जावेद साहब क्या हाल है आपके? ठीक है यार। अच्छा आप बोलते हुए हकलाते तो नहीं है? कभी नहीं। आईने का ख्याल रखता हूँ अपना चेहरा गुलाब रखता हूँ, मुझको इतना हकीर मत समझो अपनी गुदड़ी में लाल रखता हूँ, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त जमालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे हर बला सर पे हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, शक्ल से लूट लेते हैं, वो लूट लेते हैं, लूट लेते हैं, ये मुस्कुरा कर इनकी चालों से अल्लाह बचाए, बला सर पे हर बला सर पे हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, 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 हुस्न वालों अल्लाह बचाए। जावेद भाई की सीटी तो दिखाएं यार, जावेद भाई जरा बजाएं, आप लोग भी बजाएं के दिखाएं ना, ये हेलो बच्चे यू सीटी में वो जान नहीं रही, तुमने मुड़के नहीं देखा ना, मैं समझ गया मेरी सीटी में वो पहले वाली बात बात पहले वाली बात। अच्छा जी, पहले जब सीटी मारते थे कैसे देखती थी? हाँ ये भी तो हो सकता है कि सीटी सही हो, ये पहली हो गई हो। हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिएगा और इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना ना भूलिएगा, और हाँ आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, ये तो आप जानते ही हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हनीफ राजा।